चलिए देखिए बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत तगड़ा चैप्टर है, हाईली कंडेंस चैप्टर है। मतलब इसमें कंसेप्ट लबालब भरे हुए हैं, बहुत ज़ोरदार कंसेप्ट इसमें भरे हुए हैं लॉज ऑफ मोशन में। कहने को लॉज ऑफ मोशन में तीन लॉज हैं, बट वो तीन लॉज अपने आप में बहुत महान हैं न्यूटन के जैसे। ओके, तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है बच्चों, एडजस्ट कर लो। इस चैप्टर में हमें करना क्या है बच्चों, हमने फिजिक्स की जो ब्रांच हमारे पास चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स की ब्रांच जो हमारी सबसे पहली शुरू हुई है, उस फिजिक्स की ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स में हमारे पास दो पार्ट किए गए हैं बच्चों। मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक होता है कीनेमेटिक्स जिसको अभी हम पढ़ करके आए हैं, जिसमें हमने मोशन पढ़ा। क्या पढ़ा कीनेमेटिक्स में? मोशन मोशन पढ़ा। तो कीनेमेटिक्स में मोशन पढ़ा, बट आपने एक खास बात ध्यान दी होगी कि हमने मोशन के पीछे के कारण नहीं पढ़े कि वाई डज मोशन हैपेंड, मोशन क्यों होता है। हमने केवल इतना पढ़ा मोशन क्या होता है। ओके, मोशन क्या होता है ना, और किस प्रकार से मोशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन किन वजहों से होता है, मोशन के पीछे की वजह क्या है, रीजन बिहाइंड द मोशन, द मोशन मतलब मोशन के पीछे की वजह कि आखिर वो कौन है जो मोशन करवाता है, कौन है जो रुके हुए को रेस्ट पे, रुके हुए को मोशन पे लेके आता है, कौन है जो चलते को रोक देता है, कौन है जो डायरेक्शन कन्वर्ट करता है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब देंगे उस ब्रांच फिजिक्स का नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? सॉरी, उसको उसको एक है काइनेमेटिक्स और एक है आपके पास मैकेनिक्स। फिजिक्स में दो ब्रांच है अपने पास, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच जो क्या कहलाएगी इसको बोल सकते हैं अपन, मैकेनिक्स ही बोलेंगे। ओके, तो मैकेनिक्स ब्रांच में हम ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो इस ब्रांच में हम मोशन के रीजन को पढ़ेंगे। ओके, इस मोशन के रीजन को पढ़ेंगे या कॉज ऑफ मोशन की, मोशन क्यों क्रिएट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टर्म से, फोर्स। डिफाइन द टर्म फोर्स, पढ़िए फोर्स की डेफिनेशन। डिफाइन द टर्म फोर्स एंड स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कैन प्रोड्यूस। चलिए तो पहला टॉपिक आ रहा है डिफाइन द टर्म फोर्स। फोर्स को डिफाइन करो, स्टेट वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस, उन इफेक्ट्स के बारे में बताओ जो फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। पढ़िए फोर्स। फोर्स फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, अ पुश और पुल व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यस, तो देखिए फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी एजेंसी है मतलब कोई बाहर की चीज, एजेंसी मतलब बाहर की चीज, एक्सटर्नल एजेंट है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ए पुश और पुल। फोर्स किस फॉर्म में हो सकता है, या पुश की फॉर्म में हो सकता है या पुल की फॉर्म में, जो क्या कर सकता है। नंबर वन, टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुके हुए को चला दे, है ना। टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई। ओके, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन करते हुए बॉडी को चेंज कर दे, या तो रोक दे या स्लो थी तो तेज कर दे। yes, समझ गए ना। चेंज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या बॉडी की डायरेक्शन को पलट दे। अगर ये सब काम कहीं पर हो रहे हैं तो मान लीजिए 100% कौन इन्वॉल्व है, फोर्स इन्वॉल्व है। अगर ये तीन चीज़ें आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, ओके, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन, है ना। अब चेंज इन शेप, चेंज इन शेप भी अगर इन्वॉल्व है तो फोर्स है। चलिए इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय फोर्स पढ़िए। इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, फोर्स कैन बी चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, तो फोर्स तीन काम कर सकता है। नंबर वन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बदल सकता है, एंड फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके बाद थ्योरी आती है भाई। तो फोर्स के बारे में सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो जो लॉ दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, है ना। अलेक्जेंडर के गुरु थे एरिस्टोटल, बहुत महान विचारक थे। अरस्तु बोलते हैं हिंदी में इनको, ठीक है ना। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, पढ़िए स्टेट। एरिस्टोटल स्टेट एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन, प्ले इन दिस लॉ, व्हाट इज द फ्लॉ इन दिस लॉ, इस लॉ में क्या गलती थी, फ्लॉ कमी,
है ना, फ्लॉ मतलब कमी। पढ़िए एरिस्टोटल, एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन बॉडी इन मोशन। दिस लॉ इज रॉन्ग। इन प्रैक्टिस अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यस, तो कह रहा था, इनका कहना था कि एरिस्टोटल का कहना था, स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। एरिस्टोटल ने कहा था कि गेंद अगर आप जमीन में लुढ़का रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि अगर ये गेंद लुढ़कती रहे, समझ गए ना, तो आपको फोर्स लगातार लगाते रहना पड़ेगा, समझ गए ना, फोर्स लगातार लगाते रहना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो फोर्स लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो यकीन मानिए ये गेंद जिंदगी भर जमीन में लुढ़कती रहेगी, केवल एक बार आपको इसको झटका देना पड़ेगा। बट अपोजिट फोर्स, मतलब फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, फोर्स सर इंटरप्शंस आएंगे कुछ, हाँ, जैसे ये फ्रिक्शन ना होता तो जैसे पत्थर आ गया, हाँ, चीजें लुढ़कती रहती फिर तो। इंटरप्शन अगर आता तो उससे वो जा करके अपनी वेलोसिटी उसको दे देता। जैसे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता दुनिया में, तो हर चीज लुढ़कती रहती, फिर कभी रुकती नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप चला देते तो वो चीज चलती रहती, चल गई तो वो जिंदगी में, हाँ फिर वो चलती रहती। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता, वैक्यूम की सिचुएशन बन जाती ना, है ना, स्पेस में धक्का दे दो तो चलते ही रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को, मतलब हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है, एक्चुअली क्यों लगाना पड़ता है, काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर? अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद गैलीलियो की बात करते हैं। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, डिस्क्राइब्स गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कंसर्निंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन इंक्लाइंड प्लेन, हेंस स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक ना, गैलीलियो ने इनर्शिया को समझाने के लिए, या गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक इस तरीके के प्लेन को लेकर के गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ओके, एंड देन उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया को हमें डिफाइन करना है। पढ़िए गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट कंसर्निंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स, हेंस स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गैलीलियो स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। Objects first moving down an inclined plane accelerate, or second the moving up retard, third motion on horizontal plane is an intermediate। हाँ, तो गैलीलियो का जो जो प्लैंक था जो उन्होंने यूज किया था वो इस तरीके का था। उन्होंने एक रिटार्डिंग प्लेन यूज किया था, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो मूविंग डाउन, जैसे ये बॉल नीचे आ रही थी तो ये क्या हो रही थी यार, एक्सेलरेट हो रही थी, लुड़का करके तेज होती गई। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बॉल का जो मोशन था यूनिफॉर्म था, कैसा था, यूनिफॉर्म। और इसके बाद जो बॉल का यहाँ से मोशन था यहाँ तक का, वो कैसा था, डीएक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर तेज हुई, फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, फिर इसके बाद क्या हो गया, डीएक्सेलरेशन। तो यही लिखा है, मूविंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, दोज मूविंग अप रिटार्ड, एंड मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। इंटरमीडिएट सिचुएशन में थी। अब देखते हैं गैलीलियो का वो एक्सपेरिमेंट डायग्राम में, है ना, चलिए क्या था वो एक्सपेरिमेंट, वो ये है, ये देखिए गैलीलियो की ये सिचुएशन है। इसको मैंने तीनों को मिला करके एक बना दिया था, ऐसा कुछ करके मैंने तीनों को एक मिला के बना दिया, है ना, और यहाँ पे अलग अलग वो प्लैंक दिखाई दे रहे हैं। पढ़िए गैलीलियो देयरफॉर, कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन एन फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नाइदर हैव एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन, इट शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ देखिए गैलीलियो ने बताया कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इसकी बात हो रही है, नो स्लोप, जिसका कोई स्लोप ना हो, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रिक्शन तो होगा सर, देखिए ये कंसीडर किया गैलीलियो ने, इसको कम से कम कर दिया था फ्रिक्शन को। अब ऐसा तो नहीं है आइडियली कोई प्लेन तो नहीं बन सकता संसार में जिसका कोई कम कर दिया, मतलब धचके कर दिया, बिल्कुल स्मूथ कर दिया, स्मूथ कर दिया, समझ गए ना, उन्होंने फ्रिक्शन जो है उसको स्मूथ कर दिया, है ना, उसको स्मूथ कर दिया सरफेस को। तो गैलीलियो देयरफॉर कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट हैव नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। उसने कहा फ्लैट फ्रिक्शनलेस प्लेन पर चलती हुई बॉडी के पास ना ही एक्सेलरेशन होता है ना ही रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना, जीरो। एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होता है मतलब वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट, समझ गया ना, इट शुड मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो ये इंक्रीजिंग स्पीड में गिरेगी, और अगर बॉडी ऊपर की जा रही है तो ये डिक्रीजिंग स्पीड में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। चलिए अब पढ़िए यहाँ से
फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट गैलीलियो फॉर्मुलेटेड दैट द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनर्जी बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो उसने बॉडी के एक नेचर के बारे में बताया. उस नेचर को बोला गया इनर्शिया. क्या बोला गया इस नेचर को? इनर्शिया. और बॉडी से रिलेटेड उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी एक तीन चीजों से मिला के सर कैसे मतलब अपन डिफाइन कर सकते हैं इनर्शिया की? उन्होंने ये देखा कि देखिए यहाँ पे जा रही है बॉडी तो एक्सेलरेट हो रही है, यहाँ पर जा रही है तो डीएक्सेलरेट हो रही है, और यहाँ पर बॉडी जा रही है तो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है. मतलब इस पर ना कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है. मतलब यदि मैं किसी बॉडी को फ्रिक्शनलेस प्लेन पर दौड़ा दूँ, सपाट प्लेन पर, समतल प्लेन पर, तो ये जिंदगी भर मूव करती रहेगी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी. समझ गए ना? तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? ए बॉडी मूविंग विथ सर्टेन स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विथ सम स्पीड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो ताउम्र है ना थ्रू आउट वो मोशन करती रहेगी स्ट्रेट पाथ पे बिना रोके. समझ में आ गया? ये गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था. गैलीलियो कह रहे थे कि एक फ्लैट प्लेन में, फ्रिक्शनलेस प्लेन में, अगर आप किसी बॉडी को पुश करके छोड़ दो तो वो चलती ही रहेगी. ये गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था. समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? अब आगे फिजिक्स डेवलप होती है तो इनर्शिया को डिफाइन किया गया कि इनर्शिया क्या है. इनर्शिया क्या है? क्या है? अब चलिए इस प्लेन से हम इनर्शिया को समझते हैं. यदि यहाँ पर जो है इस एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, यहाँ पर बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है. क्या हो रही है? बॉडी एक्सेलरेट, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? ऊपर हाइट पे है ना, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. और यहाँ पर बॉडी जो होती कॉन्स्टेंट मोशन करेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाइट की वजह से लगे. वो तो ग्रेविटी तो कहे लगेगी हर जगह पर, बट कोई अलग तरीके की नहीं लगेगी. और यहाँ पर जब बॉडी आएगी तो ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड पुल करेगी फिर से हाइट की वजह से. ठीक है ना? तो ये तीन सिचुएशन हो रही हैं. अब यहाँ पर अपन को इनर्शिया को डिफाइन करना है. इनर्शिया वर्ड किससे मिलकर के बना है? इनर्शिया वर्ड मिलकर के बना है इनर्ट. किससे मिलकर के बना है? इनर्ट. इनर्ट मतलब होता है हिंदी में अक्रिय या आलसी या जिस जो कोई काम ना हो. तो बॉडी क्या चाहती है? बॉडी का नेचर क्या दिख रहा है? बॉडी का नेचर दिख रहा है कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. और बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है. मतलब इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वॉन्ट टू कंटिन्यू इट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो बॉडी की ये जो अक्रियता, ये जो असमर्थता, ये जो आलसपना है, इसको बोलते हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं? इनर्शिया. पढ़िए, डिफाइन द टर्म इनर्शिया. डिफाइन द टर्म इनर्शिया. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. इनर्शिया द इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. हाँ, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से यह किसी स्ट्रेट लाइन में अपनी रेस्ट पोजीशन को, अपनी यूनिफॉर्म पोजीशन को तोड़ने में असमर्थ हो, ब्रेक करने में असमर्थ हो, उसको बोलते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. तो बेटा इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नेचर है. ये क्या है? नेचर. जैसे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, दिस इज योर नेचर. ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. पढ़िए द टर्म. द टर्म इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज. His body begins to move along with the bus, while the upper part of the body continues to remain at rest due to the inertia. That is why a person falls backward when the bus starts. The inertia of motion, the tendency of a motion to remain of body to remain in its state of uniform motion,
in a straight line is called inertia of motion. Example, when a moving bus suddenly stops, a person sitting in it falls forward. As the bus stops, the lower part of its body comes to rest along with the bus, while the upper part of his body continues to remain in motion due to inertia and falls forward. Inertia of direction. The inability of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction. Example, when a bus takes a sharp turns, a person sitting in the bus experiences a force acting away from the center of the curved path. Due to his tendency to move in the original direction, he has to hold onto a support to prevent himself from swaying away in the turning bus. Yes, जब आप बस कभी जो आपकी किसी मोड़ पे मुड़ती है तो बस अंदर की तरफ जाती है तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है उसको मुड़ने के लिए और खुद क्या हो जाती है बाहर, समझ गए ना? तो ये दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना? इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस करने का नेचर, ओके? रेजिस्टेंस करने का नेचर किसी भी चेंज के लिए. तो जब बस की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसको अपोज करने के लिए बस जो जो बंदे होते हैं वो खुद मुड़ जाया करते हैं. ठीक है, आ गया समझ में? यस सर. चलिए नेक्स्ट. On what factor does the inertia of body depend? Explain with the suitable example. Relation between mass and inertia. Mass of body is measure of its inertia. Yes, लिख लीजिए इस line को. Mass of a body is the measure of inertia. One marks में पूछा जाता है कि inertia जो है किस चीज पे depend करता है. तो inertia जो होता है mass measure, एक तरीके का depends करना गलत बोलेंगे, mass measure है. हाँ, dependency भी हो गई. जिसका जितना ज़्यादा mass होगा उतना ज़्यादा inertia होगा. जिसका ज़्यादा जितना मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास. उल्टा लिखा है यार. इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ऐसे लिखो. मास या दूसरी लाइन और लिखो, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. अगर एक मैसिव बॉडी तो इसका इनर्शिया हाई होगा, और अगर एक हल्की बॉडी तो उसका इनर्शिया लो होगा. समझ गया ना? जैसे ये हल्की बॉटल रखी हुई है तो इसे मैं यदि डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो बड़े आराम से डायरेक्शन चेंज कर लिए. बट यही एक मैं इसकी बॉडी दूंगा, इतने ही फोर्स में डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगी या हिलडुल नहीं पाएगी क्योंकि इसका इनर्शिया हाई होगा. पढ़िए रिलेशन. इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी होती है जो जो अपोज करती है, अपोज कर जिसमें रहती है उसी में रहने देना चाहती है. इनर्शिया बॉडी का बोले हाँ, आलस है इनर्शिया, आलस है. ठीक है ना, पढ़िए. Mass of a body is measure of its inertia. If a body has more mass, it has more inertia. That is? It is more difficult to change its state of rest or of uniform motion. For example, if we kick a football, it flies a long way. If we kick a stone of same size, it hardly moves. The stone has more inertia than the football because of its larger mass. समझ में आ गया? कि stone का inertia ज़्यादा होगा और इसका inertia कम होगा football का. Next question number 6 है, define momentum. अब शुरू हो रहा chapter यहाँ से. Inertia define हो गया, अब momentum. ठीक है ना? ऐसे उससे कोई मतलब नहीं network से. अंदर चलो. ठीक है ना? Next है define momentum. पढ़िए. इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी. हाँ, क्वेश्चन है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन. चलिए पढ़िए. मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पास्ड बाय द बॉडी. पजेस्ड बाय द बॉडी. पजेस्ड बाय द बॉडी. किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है इसको बोलते हैं मोमेंटम. ओके. इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी. सो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. पी इज इक्वल टू एम इनटू वी. अब मोमेंटम के पास देखिए क्या है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास तो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है. तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. पी इज इक्वल टू एम वी. क्लियर हो गया? पढ़िए नेक्स्ट. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड मास इज स्केलर. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. Its magnitude is given by P equals to M into V.
ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और डायमेंशन फार्मूला एमएलटी ई पावर माइनस वन, डन बनता है सब कुछ। यस सर, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। स्टेट द थ्री न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल बहुत आएंगे कि तीन स्टेट न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन बताइए ना, न्यूटन्स की थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, everybody continues in its state of rest of or of uniform motion in a straight line until or unless it until or unless we can we gives external force to change until hai na straight line unless ठीक है, unless it is compelled by some external force to change that state. अगर कोई body rest पे तो rest पे रहेगी, moving है तो moving रहेगी। second law पढ़िए। The rate of change of linear momentum of body is directly proportional to the applied force and the change it takes in the direction of applied force. हाँ, dp by dt is directly proportional to applied force. ये है second law of motion. The rate of change of momentum. Rate मतलब नीचे time आ जाता है. और you can say delta p by delta t is directly proportional to the external applied force. ठीक है ना? The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change, और ये जो momentum का change होगा वो किसकी direction में होगा, force की direction में। Yes sir, है ना, always takes place in the direction of applied force. Next question, third law. To every action there is an equal and opposite reaction. हो गया ना, every action is equal and opposite reaction. Next पढ़िए, how does Newton first law of motion lead to the definition of force? हाँ, न्यूटन्स का पहला नियम जो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स को कैसे बताता है, कैसे लीड करता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स को। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मतलब वो इनर्शिया मेंटेन करना चाहती है। इसके इनर्शिया को भंग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से कुछ लगाना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा वही क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इनर्शिया को ब्रेक करने वाले एजेंट को ही क्या बोलते हैं, फोर्स। व्हाट इज फोर्स, force is an agent which can break the inertia. समझ गए ना, चलिए पढ़िए। According to the Newton first law of motion, a body by itself cannot change its states of rest or of uniform motion and external force is necessary to produce that change. But sometimes a force applied on a body is not able to change its state of rest or of uniform motion. Hence, force can be defined as an agency which changes or tends to change the state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ देखिए, कई लिखा चेंज और टेंड्स टू चेंज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है टेंड्स टू चेंज। अब जैसे कोई बार आप बहुत हैवी टेबल है बट आप उसे मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, समझिए ना, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो अगर कोशिश में ही कुछ अप्लाई किया है तो वो फोर्स में आएगा, ठीक है ना। जैसे वो बॉडी मूव हो या भले बॉडी मूव हो या ना हो, तो लिखा है ना, फोर्स कैन बी डिफाइन एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, समझ ना, प्रवृत्ति कोशिश करें चेंज करने की, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पढ़िए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ दैट इलस्ट्रेट द लॉज ऑफ इनर्शिया बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड, दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ राइडर विच इज कॉन्टेक्ट विद हॉर्स कम इन टू मोशन एंड वाइल हिज अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। Dust is removed from the hanging carpet by beating with its stick. If the carpet is beaten, it suddenly moves forward, while the dust particles tend to remain at rest, but due to inertia of rest, so it fall off. ठीक है ना? हाँ। क्या होता है जब आप dust को मारते हो? मारते हैं तो वो particle तो जो carpet motion पे आ जाता है। मगर particle तो rest पे ही रहते, चिपके रहते हैं। Yes sir। तो इसकी वजह से, inertia की वजह से dust particle नीचे गिर जाते हैं। Then next, when we shake the branch of tree, its fruits and dry leaves fall down. On shaking, the branch come into motion, while the fruits remains at rest. Inertia and go and so get separated. पूरा नहीं पढ़ा आपने। When we shake the branch of a tree, its fruit and dry leaves fall down. On shaking, the branch comes into motion, while the dry fruits and leaves tends to remains at rest. Inertia of rest so get separated. अच्छा, dry leaves भी होती हैं। हाँ ठीक है, डन। ये तो कर लिया ना हमने, व्हाट फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स।
ऑन व्हाट फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स, यस ये हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ डिफाइंस यस ये कर लिया हमने। चलिए अब अगले एग्जांपल पढ़ते हैं बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन। पढ़िए, व्हाइल अ हॉर्स व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स द राइडर थ्रोस फॉरवर्ड इफ ही इज नॉट फर्मली सीटेड दिस इज बिकॉज़ द लोअर पार्ट ऑफ राइडर बॉडी व्हिच इज कांटेक्ट विद द हॉर्स कम टू रेस्ट बट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू कीप मूविंग ड्यू टू इनर्शिया। यस, नेक्स्ट, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन As the man jumps out of the moving bus, his feet suddenly comes to rest on touching the ground, while the upper part of the body continues to move forward. That is why he falls with his head forward. In order to save himself from falling down, he should run in the forward direction through some distance. ठीक है, अगर आप चाहते हो ट्रेन से कूद रहे हो चलती से, वो थोड़ी सी मंदी हो जाती है ना जब स्टेशन के पास आती है, तो कभी भी पीछे की डायरेक्शन में मत कूदो, आगे की डायरेक्शन में कूदिए, ठीक ना? कैसे पीछे की डायरेक्शन में? मतलब जैसे ट्रेन ऐसे जा रही है राइट साइड में, तो आप उल्टे लेफ्ट में मत कूद जाओ। अगर आपको उतरना ही है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कूदो, जिससे उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट मिलेगा, है ना? नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। The inertia of motion gained by him at the time of jumping adds to his muscular effort and help in taking a long jump. Okay, next question. Based on our inertia of direction, consider a stone being rotated in a circular at the end of string. The velocity of stone at an instant is along the tangent to the circle. When the string is released, the centripetal force whirling the stone vanishes due to the directional inertia the stone flies off tangentially. तो यदि आपके पास कोई stone है और आप उसको घुमा रहे हो, रस्सी टूट जाती है, तो direction inertia of direction की वजह से stone जो होगा, पहले वो ऐसे वैसे path में घूम रहा था, ऐसे ऐसे path में घूम रहा था, but जैसे ही आप इसी रस्सी टूट जाती है, ये आपको tangentially path में जाके गिरेगा, समझ गया ना? ये लिखा है ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये थी, इधर पे टूटता तो ऐसे जा करके गिरता। डन? यस सर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द शार्पनिंग ऑफ नाइफ द स्पार्क्स कमिंग फ्रॉम द ग्राइंड स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंटली टू द रिम ऑफ रोटेटिंग स्टोन। This is due to the inertia of direction. Next. When a vehicle moves, the mud sticking into its wheel flies off tangentially. This is due to the inertia of direction. In order of flying mud does not spoil the clothes of a passerby. The wheels are provided with mud guards. ठीक है ना? हाँ। तो जो inertia of direction की वजह से ही जो कीचड़ हुआ करता है, वो आपने बरसात के समय में देखा होगा, जो कीचड़ होता है पीछे की तरफ उछलता है, है ना? ये कीचड़ जो होता है वो पीछे की तरफ उछला करता है, इसलिए हम लोग जैसे डायरेक्शन ये रहता है तो नहीं, आगे उल्टा बोल रहे हो, अगर डायरेक्शन ऐसा रहता तो उल्टे चलती गाड़ियां, ऐसा रहता है डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब गाड़ी ऐसी चलती है। हाँ, तो ये देखो ना, मड ऐसा जाएगा ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ of motion hence drive the relation F is equals to m in F vector equals to m into a vector where the symbols have their usual meaning. Very important. F equals to ma. State the Newton's second law of motion so that it gives a measure of force hence define one Newton force. ठीक है, तो इसमें हमको one Newton force भी define करना है। अब Newton's का second law of motion पढ़ रहे हैं, ये बहुत important है question। पढ़िए, it states that the rate of change of momentum of body directly proportional to the external force applied on a body and change take place in the direction of the applied force. Yes, so rate of change of momentum delta p upon delta t is directly proportional to applied force. ठीक है ना? अब चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा p की वैल्यू क्या होती है, mv। तो यहाँ पे p की जगह mv रख दो, तो डेल्टा बाई डेल्टा टी, और पी की जगह क्या आ जाएगा, एम इंटू वी, इज प्रपोर्शनल टू फोर्स। यही सीखा ना हमने।
तो देखिए अब यहाँ पे m बाहर आ गया क्योंकि मास कांस्टेंट है, और ये डेल्टा v बाई डेल्टा t इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है ना, स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को अपन क्या बोलते हैं, ए, तो ये बन जाएगा एम इन टू ए, तो इसको पलट करके लिख सकते हैं हम एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इन टू ए, प्रोपोर्शनल हटाओगे कॉन्स्टेंट आएगा, सो एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम ए, यहाँ पर के की वैल्यू होती है वन, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया एम इन टू ए, समझ गया ना। ये जो है ये फोर्स की क्वान्टिटेटिव वैल्यू देता है, और ये जो पार्ट है ये क्वालिटेटिव देता है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव मतलब नेचर के बारे में और क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल वैल्यू एग्जैक्टली ये देगा, है ना, मगर ज्यादा लोग समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये है, बट ये है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मेजर ऑफ द फोर्स फ्रॉम द, अब देखो मेजरमेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फोर्स मेजर करना सीख रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी एम मास की और वी वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मोमेंटम कितना होगा एम वी, अब डिफरेंशिएट कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी, एम कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया एम ए, वेयर ए इज द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाई द बॉडी, ठीक है ना, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा कितना आ गया एम इन टू ए, डन। यस तो वही अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अब न्यूटन सेकेंड लॉ हमने क्या देखा भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ ने कहा कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, इसकी वैल्यू एम ए निकाली ना, तो एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम ए, ठीक है ना, हाँ द यूनिट्स ऑफ एम एंड एफ आर चूजन सच दैट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के इक्वल टू वन, सो है ना k इक्वल्स टू क्या ले लिया वन, तो k इक्वल्स टू वन आ गई अपने पास, तो आंसर क्या आ गया f इक्वल टू m इनटू a, ठीक है ना, यस सर। द अबव इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू मेजर द फोर्स, तो इसलिए मैंने इसको बोलता क्वांटिटेटिव, क्या बोलता हूँ क्वांटिटेटिव, मेजर करने के लिए, ठीक ना। अब डिफाइन किया जा रहा, बताइए कि वन यूनिट ऑफ फोर्स कितना होगा भाई, फोर्स इक्वल टू क्या आ चुका है m, मैग्नीट्यूड की भाषा में, यस सर। तो फोर्स इक्वल टू अगर मास आप 1 किलोग्राम ले लो और एक्सेलेरेशन 1 किलोग्राम ले लो, तो आंसर वो फोर्स कितने यूनिट होगा, 1 मीटर पर सेकंड, 1 यूनिट, हां 1 मीटर पर सेकंड। अगर कोई 1 किलोग्राम की बॉडी को आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना चाहते हो तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 1 न्यूटन में, समझ में आया ना, वही यूनिट फोर्स। So one unit force is equals to one unit mass and one unit, unit acceleration. Okay, hence a unit force may be defined as force the force which produces unit acceleration in the body of unit mass. So one unit force can be said in one newton. Unit क्या होती है newton. Newton. So okay, clearly one newton is that force which produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Done. Yes sir. चलिए तो यहीं पर conclude करते हैं, ये रहा आपका laws of motion.